वीवो मोबाइल में ऐप क्लोन कैसे करें, वीवो मोबाइल में डुअल ऐप्स कैसे बनाएं, इस तरह की वीडियो आपने भी बहुत सारी यूट्यूब में सर्च की होंगी, जहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस में सिर्फ यही बताया जाता है कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आप ऐप्स वाली सेटिंग में जाइए। ऐप्स वाली सेटिंग पे जाने के बाद यहां पे आपको नीचे एक ऐप क्लोन वाली सेटिंग मिलेगी, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहां से आप इस तरीके से जिन्हें भी इनेबल करेंगे वो ऐप क्लोन आपके फ़ोन में बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को बता दूं, यहां पे वीवो कंपनी के मोबाइल में आपको कुछ गिने चुने 3-4-5 ही एप्लीकेशन की परमिशन मिलती है जिससे आप क्लोन बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक है व्हाट्सअप मैसेंजर जो हमारा ओरिजिनल व्हाट्सअप होता है, बिजनेस व्हाट्सअप नहीं दोस्तों, व्हाट्सअप मैसेंजर का आप क्लोन बना सकते हैं, फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हैं और मैसेंजर का क्लोन बना सकते हैं। मेरे फ़ोन में वीवो कंपनी ने इन्हीं 4 एप्लीकेशन को परमिशन दिया है, इन्हीं 4 एप्लीकेशन का मैं अपने फ़ोन में क्लोन बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने अपने फ़ोन में एक ऐसी सीक्रेट एप्लीकेशन डाउनलोड की है जिस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितने सारे एप्लीकेशन का यहाँ पे क्लोन बनाया है। 2-2 इंस्टाग्राम है, 2-2 पिक्सल लैब एप्लीकेशन है, 2-2 बिजनेस व्हाट्सएप है, 2-2 फोनपे ऐप है, 2-2 केनरा बैंक का ई पासबुक ऐप है, 2-2 बैंक ऑफ इंडिया का ई पासबुक ऐप है, 2-2 यूट्यूब है, 2-2 काइन मास्टर है, 2-2 माई जियो एप्लीकेशन है। आज सभी एप्लीकेशन यहाँ पे काम भी करती है। अगर मैं इस वाले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन हमारे फोन में ओपन हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं इस वाले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो ये भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन हमारे फोन में इनेबल हो जाती है। इसके अलावा बिजनेस व्हाट्सएप ओपन करूँ तो बिजनेस व्हाट्सएप भी हमारे यहाँ पे ऑन हो जाती है। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर हम लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वाले बिजनेस व्हाट्सएप में क्लिक करूँ तो ये भी बिजनेस व्हाट्सएप हमारा यहाँ पे इनेबल हो जाता है, जहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे अकाउंट वगैरह सारी कुछ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। जबकि मेरा ओरिजिनल वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल वाला आप देख सकते हैं मेरा है व्हाट्सएप मैसेंजर अब बिजनेस व्हाट्सएप। लेकिन इसके अलावा भी इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन का क्लोन बनाकर रखा है। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है और आप भी अगर इस एप्लीकेशन की मदद से वीवो कंपनी के मोबाइल में ऐप का क्लोन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीवो मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहां पे आपको जाने के बाद सर्च बार में एक एप्लीकेशन सर्च करना है, जिस डुअल ऐप्स लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। लेकिन आप में इतने सारे एप्लीकेशन में किसी भी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना है। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन को ट्राई किया लेकिन वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन आपको इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना, आप जिसका नाम देख सकते हैं डुअल ऐप्स। वैसे मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां से डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे परमिशन मांगी जाएगी तो यहां पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे, देन यहां पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप विल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली सेटिंग पे, देन आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहां प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपका ये एप्लीकेशन आपके फोन में एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपका जो ये फोन है, फोन में आप अपना इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी एप्लीकेशन के अंदर में जितने भी एप्लीकेशन है उसका आप क्लोन बना सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी एप्लीकेशन देख रहे हैं वो सारे ओरिजिनल एप्लीकेशन है मेरे फोन के, और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को जिसे आपने अभी डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके फोन में एक और नया यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल बनकर आ जाएगी, जैसा लगेगा आपके एक फोन में 2-2 मोबाइल आप चला रहे हैं। अब दोस्तों सिंपली आप इस तरीके से स्वाइप करेंगे ऊपर की ओर और यहाँ से जिन जिन एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहते हैं बस उस पर टैप करेंगे। जैसे हमारे वीवो मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सअप मैसेंजर का क्लोन बनाने का परमिशन दिया गया था, लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से मैं अपने वीवो मोबाइल में बिजनेस व्हाट्सएप का भी क्लोन बना सकता हूं। जैसे मैं ही बिजनेस व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा, क्रिएट मल्टी अकाउंट पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पे बिजनेस व्हाट्सएप बनकर रेडी हो चुकी है। उसी तरीके से मैं और भी किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकता हूं, जैसे बैकग्राउंड इरेजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, इसका क्लोन बन चुका है। सारे एप्लीकेशन यहाँ काम भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लॉन्च डुअल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 2 ग्रांट परमिशन अलाउ कर दूंगा। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हमारा बिजनेस व्हाट्सअप यहां पे इनेबल हो रहा है। यहां पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को इंटर करके हम यहां पे अपना अकाउंट बिजनेस व्हाट्सअप में बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक ही एप्लीकेशन की एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी चाहें उतनी आप क्लोन बना सकते हैं। जैसे मैं बिजनेस व्हाट्सअप का मैं जितना क्लोन बनाना चाहूँ उतना क्लोन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सारे एप्लीकेशन पे मैं अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्टर भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं काइन मास्टर का क्लोन बनाना चाहता हूँ तो मैं काइन मास्टर पे क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा काइन मास्टर का भी यहाँ पे क्लोन बन चुका है और सारे एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोन के किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं अपने वीवो मोबाइल में। सो आई होप आप सभी को ये एप्लीकेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इसी तरह की एप्लीकेशन वाली वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे कुछ